गाना बंद करो बच्चों, तब वीडियो शूट किया जाए। हाँ हाँ कपड़े पहनो। अरे आप तो बिना कपड़ों के ही स्मार्ट लगते हो। मैनेजर साहब हमारे बिना कपड़ों के ही स्मार्ट लगते हैं भाई। अब फ्रेंड्स देखो, आज हर्षित यशिका और उसकी मम्मा सबकी पार्टी चल रही है। इधर है भाई, देखिए पड़ोस में पार्टी चल रही है आज। सुबह उधर आलू के पराठे चले, पार्टी पराठा पार्टी, और इधर अरे वो मैनेजर साहब वैसे ही स्मार्ट लगते हैं बिना कपड़ों के ही। यश का लाइट बढ़ाओ, लाइट कम है कमरे में, लाइट थोड़ा सा। दोबारा से क्यों, सही तो है, वीडियो बढ़िया बन रहा है देखो भाई। पार्टी तो है लेकिन पार्टी खुद बना के खाना पड़ता है देखो। है अपना खुद बनाओ और खुद खाओ। ये देखो बढ़िया कोयला, हाथ अलाव तापते जाओ। तो अभी बना नहीं है, क्या बना है ये? घर नहीं गए हैं, क्या कह रहे घर नहीं गए, अगर हम छुट्टियां काट ले हाँ। तो घर वाली फीलिंग तो पूरी पूरी ले गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घर वाली पूरी फीलिंग रहनी चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि ये छुट्टियां कहाँ से निकल गई। ये तो बाप बेटा सब कपड़े पहनने पे लगे भाई। उसके पापा ने भी कपड़े पहन लिए फटाक से, क्या रुको गुरु जी कपड़े पहनने दो, देखो लड़का भी पहन रहा है। आंसर तुम तो अच्छे लग रहे हो बाबू, ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। ये देखो भैया डुगू इधर देख देख के ही खुश हो रहा है। चलो वीडियो इज स्टार्ट प्लीज। यशिका तुम बंद कर दो शॉर्ट देखना। वीडियो इज स्टार्ट, एक्शन प्लीज। डुगू एक्शन दिखा रहा है अकेला बस। हाँ इधर हर्षित भी दिखा रहा है। डुगू भाग रहा है, दे दो डुगू को। डुगू आओ आओ आ जाओ। भैया देखो पकौड़ी, पालक की पकौड़ी है ना अर्थ, पालक की पकौड़ी फ्रेंड्स, और टमाटो और हरे धनिया की चटनी गर्मा गर्म। हाँ देसी देसी ठर रहा है भाई हमारे यहाँ का। अरे डुगू फैला देगा, ये डुगू फैलाने के चक्कर में देखो देखो कितनी कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स आइए, पालक पकौड़ी और चटनी खा लीजिए। मैनेजर भाई हमारे देखो चमक रहा है कपड़े पहन के, तुरंत कपड़े पहने। हाँ मैनेजर भाई बताएंगे, अब हम भी बताएंगे भाई, खाते हैं फ्रेंड्स। एक नंबर है भाई, एक नंबर है हलवाई सब पास। तो फ्रेंड्स चाय बन चुकी है, आइए आप भी पी लीजिए चाय, सारे लोग ब्रेकफास्ट में चाय। टू चाय बजट सर, वैसे तो बथुआ आया था, वो बथुआ देखो आधा साफ किया हुआ, बथुआ रखा है फ्रेंड्स। गैस खत्म थी तो मैंने सोचा जल्दी वाला कुछ दे देते, क्योंकि उस पे करने में बहुत टाइम जाता है इंडक्शन पे करने में। वो तो है, ऊपर से लाइट पड़ गई। चाय बनते ही तो फ्रेंड्स इधर गर्मा गर्म पूरियां आती तल रही है, आलू मटर टमाटर की सब्जी। आप लोग भी खा लीजिए आलू टमाटर की सब्जी, गर्मा गर्म पूरी हर्षित यशिका के साथ। फ्रेंड्स आइए आप लोग भी खा लीजिए, बना रही है बड़े मन से। जो सर्दियों में वो होता है ना, इसको खोल दो इसकी, क्योंकि ये घर वाला ऑयल है सरसों का, तो ये बहुत ज्यादा आंखों में जल रहा है। खोल ले। और अभी सर्दियों में जो मोटे होने का राज है ना, बढ़ने का, वो यही रहता है, डेली ऑयली डेली। बहुत अच्छी रहती है। हेलो हर्षित, और इधर फ्रेंड्स दोनों बालक, ये देखो भाई गर्मा गर्म सब्जी बोल रहा है, बहुत दिन से चलाया नहीं है, बार बार मुझे डर लग जाता है। इधर आरती डर रही है। हाँ कुछ आवाज कर रहा है, आवाज कर रहा है, करने दो, पूरियां बन रही है गर्मा गर्म, इसीलिए आवाज आ रही है। अगर छिटकेगा कुछ भी तो जलूंगी तो मैं ना, तब तो दूर हो ना। तो फ्रेंड्स
दूध लेकर मैं आ गया घर वापस, मार्केट गया, कुछ काम था, घूम घाम के घर वापस आ गया। इधर आटा, बाजरे का आटा और गेहूं का आटा, ये दोनों आटा पिसा के लाया हूँ। और इधर आरती बना रही है, खीर बना रही है, दिखाऊँ आपको। ये देखो भैया, देसी चूल्हा चल रहा है आजकल हमारे घर। कल तो शौक में चलाया था कल बहुत शौक आई थी, कल सुबह भी चला इधर और शाम को चला अंदर, और आज मुझे मजबूरी में चलाना पड़ रहा है। आज मेरा मन नहीं था इसको जलाने का, लेकिन अच्छा बढ़िया लग रहा है, दूध सेक लगता जा रहा है। आज सारे दिन सर दर्द भी हुआ है, देसी चूल्हा चला चला के सर दर्द भी हो गया। आरती के अभी वीकनेस गई नहीं है शरीर में से, थोड़ा है अभी भी। क्या कहते हैं, आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर, और जो बाजरे की टिक्की होती है हमारे यहाँ उसको बोलते हैं पिटौआ। पिटौआ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है खीर के साथ, पीट पीट के बनाए जाते हैं पिटौआ। खीर पिटौआ बनाया जाए हमारे घर। और फ्रंट से इधर देखो, ये दोनों बंदर पढ़ रहे हैं, इधर पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या क्या पढ़ रहे हो बताओ? गिफ्ट में क्या लेकर आए? हाँ सब गिफ्ट पैक रख लाए, ज्यादा पूछोगी तो ब्लॉग बना लूंगा। बना लिया ब्लॉग, देखो एक्साइटमेंट हो रहा है आरती को। जब कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटी सी चीज है, तने किसी नई साल का गिफ्ट, वो भी 12 बजे अनबॉक्सिंग करूंगा, आरती से कराऊंगा 12 बजे अनबॉक्सिंग। मैं एक लाया हूँ छोटा सा गिफ्ट आरती के लिए, पूछे जा रही है तब से आधा घंटे से, क्या लाए हो बता दो फिर गिफ्ट का मतलब क्या है, क्यों बताए नहीं बताएंगे। 12 बजे के बाद जब नई साल 2024 स्टार्ट हो जाएगा, तब अपने हाथ से अनबॉक्सिंग करना। ज्यादा बड़ा नहीं है गिफ्ट, छोटा है, लेकिन ढूंढा बहुत है मैंने, कई शॉप कई मॉल खोजे, तब जाकर मुझे लगा कहाँ ये मेरी आरती के लिए सटीक है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है क्या? क्यों फिर क्यों बता दे, ऐसा क्या है? कुछ भी हो, गिफ्ट तो गिफ्ट है। नहीं कोई हिंट नहीं, उसमें उलन लग रहा है पकड़ने से, इतना कह सकती हूँ ना। ये क्यों बता दे, उलन का है, कुछ भी रहे उलन का, पता चलेगा 12 बजे के बाद 2024 में। हेलो फ्रेंड्स, अभी बन रहे हैं हमारे घर पे, ये क्या कहते हैं इसको, अरे नाम ही भूल गए इसका, अरे पिटौआ की पिटौआ। मैं जा रही हूँ, मेरा हो गया काम, रोक लो उसके बाद आओ, वहां से बुलाओ, आओ।